Hey guys, welcome to the new episode of TFG Fantasy Pandit Show. My name is Nikhil और आज जैसे एक break day है IPL में we thought of doing something special and we have a very special guest on our show who is also a Dream 11 Grand League winner. Hi Peeyush, how are you? Hi Nikhil, I'm great. How are you? I'm all fine. Thank you for accepting our request. Or you know, we thought of bringing in few Grand League winners or थोड़ा सा conversation हो ताकि हमारे जो viewers है तो TFG Fantasy Pandit basically give tips and advice. तो उन लोग भी थोड़ा कुछ ले सके यार तुमसे, आपकी भी competition बढ़ जाए. I don't mind that. First of all, thank you for inviting me. Okay, so let me start. कि like जैसे कहा गया कि you are a Grand League winner. Roughly how many Grand Leagues have you won? Yeah, exact number तो मुझे याद नहीं है, because मुझे काफी साल हुए खेलते हुए. मतलब 3 million पे I've been playing since 2015. तो तब तो मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं था, उसका आई हैड माय डैड पैन कार्ड, तो मैं उस अकाउंट से खेलता था. रफली आई गेस मोर देन 100 है, मोर देन इतने सालों में आई मोर देन 100 ग्रैंड लीग्स यू हैव वन. या ओह माय गॉड, दैट्स अ बिग नंबर. पर 2015 में ग्रैंड लीग्स अलग थे, आज की तारीख में ग्रैंड लीग्स अलग है, बराबर. बहुत बहुत डिफरेंस है. तब एक तो लीग साइज बहुत कम होता था, अराउंड 3000 वाज 3000 5000 काफी चेंज हुआ है. फैंटेसी क्रिकेट में काफी चेंज हुआ है इंडिया में. सिर्फ क्रिकेट खेलते हो कुछ और भी खेलते हो फैंटेसी स्पोर्ट्स में? या ऑनेस्टली मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, बिकॉज आई एम मुझे फुटबॉल का एफ भी नहीं पता. तो मुझे कुछ नहीं पता फुटबॉल में. इसके अलावा फैंटेसी कबड्डी आई ट्राइड, आई एम क्वाइट गुड एट कबड्डी, तो इसके अलावा कुछ नहीं खेला. एनबी मुझे नहीं पता, सो आई स्टिक टू माय बेसिक्स. क्रिकेट मुझे पता है तो मैं बस वही खेलता हूँ. ओके, यू ऑल्सो हैव अ ट्विटर हैंडल एंड अ टिप्स एंड एडवाइस काइंड ऑफ, तुम्हारे भी काफी आर्टिकल्स आते हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग फॉर यू. So, I mean, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई आके तुम्हारा प्राइस मनी लेके जाएगा तुमसे ही सीख के? यार मतलब हो चुका है काफी बार. अभी जो मुझे फॉलो करते हैं काफी टाइम से, 2015 में मैंने फेसबुक पेज बनाया था एक, तो जिससे मैंने वो मतलब फर्स्ट टाइम था कि कोई मतलब वैसे सोशल मीडिया पे होती है, तो खैर काफी ऐप्स और बहुत कुछ अवेलेबल है. तो उस टाइम में मैं एक्चुअली टीम देखा था, एग्जैक्ट टीम. तो काफी बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ग्रैंड लीग में मतलब जो मेरे पेज के फॉलोअर्स थे, जो फॉलो करते थे एग्जैक्ट टीम फॉलो करते थे, तो काफी जीते, तो मुझे काफी नुकसान हो रहा था. बट यू डोंट माइंड दैट? नहीं मतलब ऑब्वियसली यार अगर आप किसी हेल्प कर रहे हो मोस्ट डोंट माइंड दैट. हाँ थोड़ा नुकसान हुआ वो ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, बट कैसे ना कैसे वो रिटर्न हो ही जाता है. मतलब ऑब्वियसली इतने लोग जब फॉलो करते हैं आपको गुड विशेस देते हैं, तो कैसे ना कैसे वो रिटर्न हो ही जाती है. या या नाउ यू सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि फुटबॉल का एफ भी नहीं पता है और यू नो क्रिकेट और कबड्डी में यू हैव अ होल्ड. सो इज इट नेसेसरी टू बी अ स्पोर्ट्स फैन? मतलब क्रिकेट का फैन होना जरूरी है टू प्ले फैंटेसी क्रिकेट? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट इट श्योरली है. ऑब्वियसली आपको एक इंटरेस्ट अलग रहता है, यू नो अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको हर एक एक बॉल में वो इंटरेस्ट रहता है. नहीं तो मैं मतलब प्रेफर करता हूँ कि मैं वो गेम खेलूँ जहाँ मुझे मतलब अच्छी नॉलेज है या फिर मेरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा नॉलेज है. और एंड हाउ डू यू डिसाइड दैट? फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, अंडर 19 एशिया कप, आई थिंक वो मेरा सबसे बेस्ट टूर्नामेंट था एज फार एज फैंटेसी क्रिकेट कंसर्न. एक तो ऑब्वियसली इंडिया जीती, राहुल द्रविड़ को ट्रॉफी देखी, तो एक वो भी और पर्सनली भी. अच्छा, तो वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, बिकॉज आई नो कि अंडर 19 प्लेयर्स को मोस्टली मतलब जो जनरल कॉम्पिटिटर्स है वो तो नहीं जानते. और जानना भी एक्चुअली में पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि अपने पास जो मीडियम से ESPN क्रिकेट को व्हाटएवर जहाँ जाते हैं इन्फो कलेक्ट कर सकते हैं. और सब जगह जो भी इन्फो थी वो ऑलमोस्ट ये समझ लो गलत थी या फिर इनकम्प्लीट थी. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अभी पंजाब में खेल रहा है अफगानिस्तान का मुजीब राजा मिस्ट्री स्पिनर, एशिया कप में उसकी इन्फो अगर आप सर्च करोगे इफ यू क्रिएटिंग द टीम, अगर उस टाइम पे अगर आप देखोगे उसकी इन्फो थी राइट आर्म मीडियम. ओके, मतलब ना क्रिकेट को पता था ना क्रिकेट इन्फो की एग्जैक्टली वो करता गया. तो
मुझे पता था कि वो राइट अ मीडियम नहीं, बिकॉज आई सीन हिज वीडियोस एंड आई नो कि इसमें कुछ मिस्ट्री तो है. अच्छा ऑब्वियसली. और सेकेंडली जैसे वो कमलेश नागरकोटी होती हाँ. इंडिया का मतलब बहुत अच्छा अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो गया, तो केकेआर हाँ. के लिए अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं था बट अंडर 19 वर्ल्ड कप में मुझे पता था इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा करेगा. ऑब्वियसली 150 पे अगर आप अंडर 19 क्रिकेट में देख रहे हो तो यू आर ऑब्वियसली बहुत आगे जाने वाले. तो उसका जो अगर आप डिटेल देखोगे तो वो लिखा हुआ था इज राइट आर्म लेग ब्रेक बोलर, मतलब लेग स्पिनर है वो. तो ओके मतलब उसकी इनपुट हुई ही नहीं किसी के पास. आई थिंक वहां मैंने थोड़ा मुझे पता है कि यहाँ मैं अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा थोड़ी रिसर्च ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है. राइट. सो मतलब ऑन एन एवरेज तुम दिन का कितना टाइम रिसर्च में लगाते हो? यार वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर टूर्नामेंट पे, बिकॉज जब भी एक टूर्नामेंट स्टार्ट होता है मुझे लगता है मुझे टूर्नामेंट खेलना, उस टूर्नामेंट से पहले एक एक ब्रीफ में मतलब एक वो बनाता हूँ, पूरा एनालिसिस करता हूँ. अगर मैं वो नहीं करता तो मैं पूरा टूर्नामेंट स्किप कर देता हूँ, बिकॉज वो बहुत जरूरी है एक टूर्नामेंट से पहले जो आप इनिशियल रिसर्च जो करते हो कि इस टीम में आपके जो हो सकता है कि ऐसे कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत होता है लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होते हैं. ओके. और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं लेकिन आपके लिए ऐसे होते हैं कि शायद आपको ग्रैंड लीग जिता जाएं. ओके. तो ऐसे प्लेयर्स पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है हर टूर्नामेंट से पहले. तो अगर मैं वो नहीं करता तो मैं पूरा टूर्नामेंट स्किप कर देता हूं. ओह ओके. सो यू आर नॉट रेडी टू टेक चांस, यू आर लाइक पूरा रिसर्च करके ही जाना है. हाँ. ओके. अभी ये जो ग्रैंड लीग है एंड देर आर यू नो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स का लीग होता है, माइंडसेट डिफरेंट रहता है दोनों को खेलते वक्त कि? ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, मतलब मेरे लिए स्मॉल लीग का मतलब है नॉट लेस देन 20, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हो तो इट्स वेस्ट. हेड टू हेड खेलना मुझे लगता नहीं है कि मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है एज अ फैंटेसी प्लेयर, क्योंकि आप कभी ना कभी तो क्योंकि उसके अंदर एक ड्रीम इलेवन में कमीशन खुद का इतना है. हाँ. और आपका विन रेशियो उस तरीके से आपको चाहिए तो बहुत ज्यादा में. हाँ, हाँ. तो अगर आप वही 10 में से 5 जीत रहे हो तो गेट इन लॉस. तो आई डोंट प्रेफर प्लेइंग हेड टू हेड लीग. तो मैं मतलब यही करता हूँ कि पहले एक लीग अगर आपने देखी है 20 मेंबर्स की लीग थी 5 विनर्स थे, वो मॉडिफाई होके 7 विनर्स हो गए. तो आई यूज्ड टू प्ले दैट लीग, नाउ आई प्ले सिक्स मेंबर्स. मतलब स्मॉल लीग का मेरा जो क्राइटेरिया दैट इज नॉट लेस देन 20 या 30. ओके ओके. उसके नीचे तुम खेलते ही नहीं हो ना. ओके ओके. बट माइंडसेट कैसा होता है? फॉर एग्जांपल अभी समझो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, 99% अगर लिमिटेड लीग का देखो, प्लेयर्स का लीग देखोगे, सब लोग विराट कोहली को कैप्टन बनाना चाहेंगे. ग्रैंड लीग में ये माइंडसेट नहीं चलता, बराबर? टोटली. ओके. ग्रैंड लीग में आप कौन लीग में 10 में से 10 का कैप्टन कोहली है तो ग्रैंड लीग में तो कितने हुआ होगा. जरूरी नहीं है कि कोहली नहीं मारेगा, वो ऑब्वियसली मारेगा, लेकिन ग्रैंड लीग में आपका कॉम्पिटिशन और कितनी आपको टीम से होगा जिसमें विराट कोहली कैप्टन है. सही बात है. तो अगर वो नहीं चलता है तो आपको फिर एक एज मिलेगा कि अगर विराट कोहली अगर आप जल्दी अंदर 10 लाओ तो, और वैसे भी इंग्लैंड में अगर जीता तो हो सकता है चांसेस ज्यादा है कि हो जाए. हाँ. तो तुम कैसे डिसाइड करते हो, मतलब क्या सोच के डिसाइड करते हो कि विराट कोहली को कैप्टन ना रखना इज अ बिग थिंग? हाँ, अगर स्मॉल लीग अगर आप तो वो स्टूपिड है. हाँ. लेकिन आपको तो मतलब आपको चाहिए ऐसा कोई प्लेयर कि हो सकता है कि वो आपको जिता जाए, मतलब एक तो कम लोगों ने लिया हो, और जरूरी नहीं कम लोगों ने लिया हो तो उसको कैप्टन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर उसमें पोटेंशियल ही नहीं है इतना तो वो वेस्ट है. ओके. वो प्लेयर देखना जिसमें पोटेंशियल भी हो आपको जिताने का और शायद बाकी यूजर्स ने इसको इग्नोर किया हो. ओके ओके. हाउ डू यू मैनेज योर फैंटेसी स्पोर्ट्स बजट? मतलब मुझे पता है कि आप काफी ग्रैंड लीग जीते हुए हैं, बट स्टिल एक बजट तो सेट करते होगे ना, कि कैसे होता है? मतलब इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन टर्म्स ऑफ मतलब किसी भी सीरीज में उतरने से पहले डू यू डिसाइड कि ये इंडिया वर्सेस से इंग्लैंड का सीरीज है तो मैं इसमें इतना इतना पैसा लगाऊंगा? और नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अगर okay. मुझे लगता है कि आज मुझे नहीं भी खेलना तो मैं नहीं खेलता. मतलब आई हैव दैट पेशेंस लेवल कि अगर आज मुझे लग रहा है कि यार आज मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि मुझे खेलना चाहिए. हाँ. तो मैं नहीं खेलता. या फिर मुझे थोड़ा डाउट होता है कि इस प्लेयर को लेकर मुझे डाउट है कि शायद खेलेगा या नहीं खेलेगा, परफॉर्म करेगा या नहीं, तो आई स्किप द गेम.
ओके, बट कुछ एडवाइस है जो अपने व्यूवर्स सुन रहे हैं उनके लिए कि कुछ बजट असाइन करना चाहिए, नहीं असाइन करना चाहिए? हर किसी का इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है. कोई जैसे मोस्टली कुछ लोग हैं जो सिर्फ हैट टू हेड लीग खेलना पसंद करते हैं, कुछ सिर्फ ग्रैंड लीग खेलते हैं, कुछ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों खेलते हैं. तो अपना बजट हर कोई अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है. बस यही है कि आप अपने पास इतना बैकअप रखो कि आप 4-5 बार और खेल सको उसी बजट से. ओके, क्योंकि ये फैंटेसी क्रिकेट है, इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि अगर आपको लग रहा है विराट कोहली 100 मारेगा तो जरूरी नहीं वो मारेगा. अगर वो ओके, नहीं मारा तो आपका तो लॉस है ना. तो हैव दैट बैकअप कि आप 4-5 बार और खेल सको, हाँ कि एक मैच में अगर आपका सारा निकल जाए इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में आ जाओ आप, राइट. तो इतना इन्वेस्ट कर सको कि और 4-5 गेम खेलो आप. तो पीयूष, लाइफ में कभी ऐसा, मतलब 2015 से तुम खेल रहे हो, कभी ऐसा टाइम आया है कि वेयर यू आर लूजिंग कंटिन्यूअसली? बहुत बार, बहुत बार. मतलब सो आई मीन लाइक, हाउ डू यू ऐसा कोप मतलब विद हर किसी के दिस? साथ होता ही है. नहीं तो हाउ डू यू कोप विद दिस? और जो अपने लिसनर्स हैं उन लोग को क्या बोलोगे तुम? यार खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आप इतने टाइम से खेल रहे हो, एक्सपीरियंस से आपको पता है कि अगर आप खुद में बिलीव है कि आप वापस जीतोगे. मतलब मेरे साथ काफी बार हुआ है कि मैं शायद बैक टू बैक 10 गेम्स भी हारा होगा इजिली, मुझे जितना याद है. कभी ऐसा आपका होता है कि ऐसा पीरियड आता है कि आप हार गए हो कुछ भी हो. तो अगर ऐसा होता है तो आप दैट बिलीव कि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मैं जीतूंगा. मोस्टली फर्क ये भी पड़ता है कि मैं कौन सी लीग खेलता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू आई यूज्ड टू प्ले 20 मेंबर्स लीग. तो उससे होता ये था, फॉर एक छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट 60,000, 60 इन्वेस्ट करके यू यूज्ड टू गेट 500, दैट इज मोर देन 8 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 3 मैच 4 मैच भी हार जाऊंगा और एक गेम जीतूंगा. मुझे पता है एक गेम में मुझे काफी रिटर्न मिल जाएगा. तो आई हैव दैट बिलीव. ओके, और अगर अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा हार रहे हो तो आप एक दो मैच बैठ के आराम से गेम देखो शांति से. आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है. अच्छा, तो मैच देखना जरूरी है? मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं गेम देखूँ. अब ऑब्वियसली हर टाइम तो वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि स्पेशली अगर ODI है तो आप वो देख नहीं सकते पूरा. लेकिन आई ट्राई की अगर पॉसिबल है तो मैं थोड़ी हाईलाइट देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है स्कोर कार्ड जो होता है वो मिसलीडिंग होता है. राइट, या आई आल्सो एग्री विद दिस. एग्जाम्पल अगर किसी बॉलर ने टी20 में 4 ओवर अगर स्कोर कार्ड में दिखा रहा है, उसने 4 ओवर 45 दे दिए विदाउट अ विकेट, बट वो ये नहीं दिखाएगा कि वो उसके जो रन गए वो आउटसाइड एजेस से गए हैं या फिर अच्छी बॉल पे गए या फिर उसके कैच ड्रॉप हुए. बराबर. गेम में तो बैट्समैन अगर वो दिखा रहा है कि उसने 10 ओवर 10 बॉलों में 30 रन मार दिए, बट ये नहीं बता रहा कैच ड्रॉप हुआ है या फिर आउटसाइड एज से रन बनाया उसने. बराबर. आई थिंक थोड़ा सा अगर हाईलाइट से अगर आपको पता चल जाता है कि हाउ कंफर्टेबल वाज दैट बैट्समैन प्लेइंग या फिर कितना बुरा दिन था एक बॉलर का कि उसको 4 ओवर में 40 पड़ गए. तो मुझे लगता है स्कोर कार्ड थोड़ा सा मिसलीडिंग होते हैं, एग्जैक्ट ट्रू पिक्चर नहीं बताते. तो थोड़ा अगर हाईलाइट दिख जाए तो बेटर, मतलब एक आप डिसीजन ले सकते हो. ओके ओके, सो अगर ये जो ये तो तुमने काफी टैक्टिक्स की बात की, अभी अब हम क्रिकेट की बात करें तो यू हैव टेस्ट, यू हैव वनडे, यू हैव T20, तीनों में तुम्हारा अप्रोच भी अलग अलग रहता है फॉर टेस्ट T20s? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हर किसी के बॉलिंग सिस्टम अलग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ODI खेल रहा हूँ तो मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज्यादा ऑलराउंडर्स लूँ, कैप्टन भी उन्हीं को बनाऊँ, और बैट्समैन से ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ बॉलर. ओके, क्योंकि बॉलर विकेट भी लेंगे और रन भी बनाएंगे. मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ खेल रहे हो. ऑब्वियसली पिच बहुत मैटर करता है, अगर पूरा ही फ्लैट पिच है तो ऑब्वियसली यू विल टेक मोर बैट्समैन. बट अगर फ्रेंडली पिच है और लगता है कि हाँ बॉलर को बैटिंग दी आएगी और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर जो मतलब जो बॉलर जो है आपको लगता है कंट्रीब्यूट एक्चुअली में करेंगे जो करते आ रहे हैं. Okay. जैसे बहुत सारे हैं, जैसे सैम किरन अभी है रॉयल वनडे कप में, मोर ऑफ एन ऑलराउंडर, 7-8 होता है बट ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट. ओके, वैसे ही रॉयल वनडे कप में क्राग होटन, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो भले ही बॉलर हों बट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मोस्टली बैट से. राइट राइट. तो अगर आप तो यूज टू बैट. ओके ओके, सो ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट तुम डिसाइड करते हो. कि पिच का तुमने बात किया तो इवन इट इज नेसेसरी कि पिच कंडीशन कैसी है. हाँ, पिच कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे जैसे लगता है अगर टीम ट्रैक है और अच्छी ग्रास है पिच पे तो मैं प्रेफर नहीं करता ज्यादा स्पिनर्स क्यों, काफी मतलब ज्यादा सीमर्स जो नई बॉल से बॉल करते हैं वो प्रेफर करूंगा. और okay. जो टेस्ट में ऑब्वियसली टेस्ट वाली बॉल तो आप लोगे लोगे, बट जो न्यू बॉल से बॉल कर रहे हैं जिनको मतलब एडवांटेज मिलेगा उस ट्रैक का, तो आई मतलब उनको प्रेफर करता हूँ मोस्टली.
Okay. Chalo, final few questions, Piyush, for you. IPL playoffs aa rahe hain. Apne listeners ke liye aapka kuch advice hai kya? How do they approach? तो जो लास्ट अभी तक जितने गेम्स हुए हैं वो तो देखने ही देखने हैं. जैसे अभी एलिमिनेटर होगा राजस्थान और केकेआर का, तो दोनों जो गेम्स हो चुके हैं वो जरूर देखिएगा. थोड़ा हाईलाइट से विकेट हाईलाइट देखिए, स्कोर बोर्ड देखिए कि जैसे नरेन है, नरेन को स्टार्टिंग में स्पिन दे दी लास्ट टाइम गौतम ने गोल डाला और वो मर्डर कर दिया गौतम गर्ल्स ने. राइट, तो आपको पता है कि अगर कौन से ट्रैक पे कौन से स्पिनर्स सूट होंगे, कौन से बॉलर्स को आप ले सकते हो अभी, मतलब आप लास्ट के आपके पास में काफी सारा ऐसा है डेटा अवेलेबल है अभी प्लेऑफ्स में. दो गेम्स हो चुके हैं, टीम्स के काफी गेम्स हो चुके हैं, तो आप सारे गेम्स को देखिए कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो इस प्लेयर के अकॉर्डिंग, और मतलब इसके अलावा भी काफी सेट आपको मिल जाएंगे कि हो सकता है एक बैट्समैन का एक वीक पॉइंट है, इस बॉल को वो काफी खेल चुका है लेकिन रन नहीं बना या फिर काफी बार आउट हुआ है. ऐसे स्टैट आप देखिए तो आपको इजीली मिल जाएंगे, एक फिंगर मिल जाएंगे, स्टैट्स ग्रुप मिल जाएंगे. आई थिंक स्टैट्स काफी मैटर करते हैं. जैसे गेल का है, गेल का नरेन के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत बहुत खराब है. ओके, तो मैं मोस्टली जब भी गेल नरेन के अगेंस्ट खेलता है तो मैं ट्राई करता हूँ उसको ड्रॉप कर दूँ या फिर कैप्टन ना बनूँ, क्योंकि अगर इनिशियली अगर नरेन उसके अगेंस्ट आया तो अच्छे चांसेस है कि उसको ले जाएगा. ओके, तो ऐसे स्टैट्स काफी हेल्प करते हैं. ओके, सो प्लेऑफ्स के लिए स्टैट्स इम्पोर्टेंट है, जो भी होके गया उसके लिए स्टैट्स लास्ट गेम्स जितने हुए हैं और इससे पहले प्लेऑफ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो नॉकआउट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, भले ही वो लीग गेम्स परफॉर्म करें या ना करें, तो एक वहां से प्लेयर्स मिल सकती है. लीग से लास्ट जितने प्लेऑफ्स हुए हैं आप वो ट्रैक करें कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो नॉकआउट्स परफॉर्म करेंगे, ऐसा बहुत सारा मिल जाएंगे आपको प्लेयर्स जो होता है लीग गेम में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करे लेकिन नॉकआउट गेम्स में ऐसे आगे परफॉर्म करेंगे कि बस. ओके, वो उसी की टीम में होता है, तो ऐसे प्लेयर्स को भी आप देख सकते हो, उनको आप बैक कर सकते हो. हाँ, तो पीयूष वन फाइनल क्वेश्चन, हाउ डू यू सेलिब्रेट आफ्टर विनिंग ग्रैंड लीग? ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्पेशल सेलिब्रेशन तो है नहीं, डीजे ब्रावो जैसा या कोई क्रिकेट नहीं, मतलब घर पे पेरेंट्स को फोन करके बताते होगे कि मैंने इतना इतना जीत लिया, हाउ डू दे रिएक्ट? पहले जब होता था कि मैं बताता था कि आज मैं इतना जीता तो उनको लगता था कि ये पागल बना रहा है. आज तो मतलब जब स्टार्टिंग में मैं खेलना स्टार्ट किया था थोड़ा डिफिकल्ट था लोगों को समझाना कि मैं एक्चुअल में फैंटेसी क्रिकेट खेल रहा हूँ भाई, मैं सट्टे नहीं लगा रहा, बैटिंग नहीं कर रहा हूँ. ओके, और अभी भी जैसे क्रिकेट बस से मेरे जो एड्स आते हैं मार्केटिंग एड्स टीम 11 के, तो उसमें स्कोर देखते ही मेरी फोटो आती है. बहुत सारे रिलेटिव्स को आज भी समझाना मुश्किल है कि नहीं मैं बैटिंग नहीं करता. ओके ओके ओके, तो फिर कैसे होता है सेलिब्रेशन, क्या पार्टी वार्टी होती है या? पहले तो होता था कि मतलब थोड़ा समझाना मुश्किल है, उन्होंने बताया जिस मैंने बताया कि आज मैं 50,000 जीता, तो फिर वो क्या थोड़ा थोड़ा अब नॉर्मल हो चुका है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है जीत गया. ओके, तो तुम्हारे फ्रेंड्स लोग वेट करते हैं तुम ड्रीम इलेवन पे कब जीतो? अरे एक्चुअली मोस्ट मतलब मेरे फ्रेंड्स को मोस्टली काफी टाइम तक पता ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ना मेरे ब्लॉग के बारे में पता था. और फिर उन्होंने सडनली एक दिन फोटो देखी प्यूट ऑन 17 लाख, मतलब मैंने इतनी गालियां कभी जिंदगी में नहीं खाई होगी. जबरदस्ती पार्टी भी देनी पड़ी होगी. बहुत बहुत ओके, पार्टी दी गालियां खाई. ओके थैंक्स पीयूष, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, तुमने काफी सारा इन्फो पब्लिक को दे दिया है. बाय द वे गाइस, पीयूष ऑल्सो रन्स अ फैंटेसी एडवाइस साइट कॉल्ड एज fantasycricketgeek.com, बराबर है? हाँ, एंड ऑन ट्विटर इट इज, कैन यू टेल द ट्विटर हैंडल? क्रिकेट गीक हियर, क्रिकेट गीक हियर, तो उसपे उसे फॉलो कीजिए. थैंक्स पीयूष, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस, होप विल कनेक्ट सून अगेन लेटर. श्योर निखिल, प्लीज अपने टॉक टू यू, थैंक यू, बाय बाय.